फ्रेंड्स, हमने राजधानी फर्स्ट एसी में किया है। आते हुए हम आए थे फ्लाइट में, अभी हम जो है ट्रेन में रात को बैठे थे, नॉट दिन में। तो अभी है सुबह का टाइम, ब्रेकफास्ट का हमने सुबह चाय पी ली है। क्या कर रहे हो तुम? ब्रेकफास्ट का टाइम है और देखो ब्रेकफास्ट में क्या है, बैक कैमरा से दिखाते सुबह के 10 बजे फर्स्ट एसी के मजे लिए जा रहे हैं। मैं सच में पहली बार फर्स्ट एसी में बैठी, मुझे लगता था पैसे बर्बाद हैं, और सच में पैसे बर्बाद ही लगते हैं। वैसे बर्बाद तो है। ये आया पूरा ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स, मैंगो गोल्ड ड्रिंक, मैंगो कटलेट्स, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज, ब्रेड, बटर, जैम, चाय, ये सब चीजें आई हैं अभी ब्रेकफास्ट में। I clearly instructed the guy कि वी आर वेजिटेरियन, ऑफर अस ओनली द वेजिटेरियन फूड्स ओनली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार गर्म चाय आ चुकी है, फिर उसके बाद में दूध आया है कॉर्नफ्लेक्स के लिए और चाय के लिए, दोनों के लिए। और बाहर का नज़ारा तो यार, कर्नाटका पहुँच चुके हैं हम शायद रात को, मैंगलोर उडुपी सुबह निकल चुका है और अभी शाम तक आएगा वडोदरा, गुजरात पहुँच जाएंगे, फिर रात तक सुबह तक राजस्थान पहुंच जाएंगे ना, और कल दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। दिस इज बाहर का नज़ारा एंड दिस इज अंदर का नज़ारा। बाहर का नज़ारा, झील आ गई, फिर से झील आ गई, बहुत बड़ी है यार। उधर से देख, कनेक्ट के पीछे से फिर आ गई, बोट्स भी हैं, बस्ती भी है, घर भी है, लोग भी हैं, टनल भी है। बाहर एकदम से, बाहर भी अंदर वाला सेम नज़ारा हो गया। मेरी ब्रेड भी तुम ही खा लेना, मैं ब्रेड नहीं खाती। क्या देखूं, head west on National Highway 366 toward Kaitanu Manuel Road. ये क्या है यार, रोड, बीच रोड, बीच वो है, लेक है, समंदर है ये, वो देख समंदर में लेक में चल रही है। Head northwest toward National Highway 66. In 400 meters, merge with National Highway 66. In 300 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on National Highway 66. मेरे को लगा मेरा फोन बाहर ना गिर जाए, फिर तो मैं भूल ही गई कि अरे हमारे बीच में तो शीशा है। दिस इज शीशा। इतनी तेज एसी चल रहा है ना इस फर्स्ट एसी में कि मेरे को ना प्यास लग रही है, लेकिन मैं पानी नहीं पी रही ठंड की वजह से, और मेरी कुकड़ी जम गई है, और मेरी शक्ल देखो कितनी अजीब सी हो गई है। इतनी तेज एसी चल रहा है, मेरा सर दर्द होने लगा है, और मैं इसको कह रही हूँ कि बंद करवा दे एसी, उसको फ़ोन से बात नहीं है अपने। और बाहर बहुत सुंदर सुंदर जो है समुंदर के आज के बाद कभी नहीं आऊंगी राजधानी में फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में इतना खाना देते हैं, मेरा भी फेस को पचा नहीं है। हाँ तो सूप भी यार, जगह तो चाहिए पेट में, सूप भी पचाने के लिए। अब आती हूँ बैठ क्या, दोपहर के 12 बजे तैयार हो जाता है इसका भी बहुत जूस, तो वहाँ कोने में रखा है मैंने। मैं घर पे कुछ नहीं खाता, लेकिन फ्री का मिल रहा है तो खाएगा, हम खाएंगे। चलो भाई आज नहीं तो मेरा भी यही चाप जाएगा। दोपहर के 2 बजे मटन कोरमा चिकन कलेजी कीमा पाया बीफ चावल, इसमें क्या होगा, गेस करो गेस करो गेस करो, दही,
इसमें क्या हो रहा है? स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोटी। जी कहाँ बनो? अचार हो? अचार रोटी पे तल लियो। चों 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 खाने रोटी कह रहे थे आप? मैं कह रहा था मैं पहली बार ट्रेन में अच्छा खाना खा रहा हूँ। दाल 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 ट्रेन में आती ना तड़का ले स्पीडी तड़का दाल वो नहीं है, बहुत टेस्टी है, नो डाउट। रोटी थी नहीं है बस, लेकिन सुबह से इतना खिला रहे हैं ना। खिला रहे हैं तो मत खाओ, जरूरी थोड़ी है। शुक्र है तीन ही है। इट्स इवनिंग टाइम और शाम 4 बजे सो के उठे हैं और चाय आई, चाय से फिर हमने कॉफी मंगवाई और चाय नहीं पीनी थी अब। और काजू आए हैं, चिवड़ा है, एक क्या कहते हैं इसको सैंडविच, एक पतीसा, साथ में सॉस है, पता नहीं क्या है। खोलो होगी चोरी हो गया, पता नहीं देखते हैं क्या है, कुछ तो ऐसा ही है तला हुआ। कचौड़ी, कचौड़ी आई है। चलो कॉफी पीते हैं। शाम 6 बजे मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे ना वो भी नहीं रही है ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन लगातार चल रही है और ये खिलाए जा रहे मेरा पेट फट रहा है। जाओ। ये कह रहा मैं तेरा रात का खाना खा लूँगा, इसके पास पता नहीं इतनी कहाँ से जगह है। बना दे यार थोड़ा सा, क्या पता कई दिन चले जाए। एक बार फिर खाना आ चुका है डिनर, रात को 9 बजे पर ये आते ही जुट जाता है यार। पता है मेहनत वाला काम किया होता है तो इसे पचा लेते। इतना मैं तो बस यार मेरी तो वेट टाइम हो गई आज खाने की, इतना मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। अबे वही सा सुबह वाला ही लिया है दोबारा से। आ चुकी है और गगन सुबह 7 बजे इमोशनल यार कोटा कहीं मनु कोटा लिखा दिखा, ये जो कोटा लिखा दिख रहा है कोटा जंक्शन, इसकी वीडियो ले ले। कोटा जंक्शन कहाँ लिखा? वो लिखा था उस पे यार, दिस इज नॉट जस्ट अ सिटी फॉर मी। ये देखो सुबह 9 बजे पर चाय हो चुकी है, कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच, जूस, चाय और क्या है बस। इसमें क्या है बड़े वाले ये तवे में क्या है? इसमें इसमें कटलेट्स यार, पर वही सेम ब्रेकफास्ट, वही सेम लंच, वही सेम डिनर। आज कटलेट के संग थोड़ी मटर भी फेल दी गई है। वी आर यू हार्ट शेप कटलेट है। अरे वाह, यही था हमारा राजधानी का फर्स्ट एसी का एक्सपीरियंस, जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर किया। खाना वाना ज़्यादा किया, वॉशरूम वगैरह बहुत साफ है, आप आराम से 2 दिन की 1.5 दिन की 3 दिन की जर्नी कर सकते हो, जबकि मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती बाहर की किसी भी जगह पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। लेकिन मस्त है यार,
अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता दोबारा हम फर्स्ट एसी में कभी करेंगे क्योंकि बोर भी हो गए। हमारे सामने वाली सीट पे कोई भी नहीं आया, रात को बस एक दो पैसेंजर आए थे सूरत, हाँ वो सूरत से चढ़े थे 10:30-11 बजे जब हमारे सोने का टाइम था, और सुबह 6:30 या 7:45 बजे वो उतर गए थे जब हमारे उठने का टाइम था, तो हमारे लिए तो वो ना के बराबर थे। हमने पूरा 4 सीट की जर्नी हमने दोनों लोगों ने ही करी है, तो बहुत मस्त रहा एक्सपीरियंस। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोज़ और भी आते रहेंगे, बेल आइकन के साथ में करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ब्रेकफास्ट करते हैं और 12:30 बजे तक आ जाएगा न्यू दिल्ली, निज़ामुद्दीन आ जाएगा, और फिर हम जाएंगे अपने घर, हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कॉर्नफ्लेक्स खा रही है, जिम चालू हो जाते खा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में इतनी जी क्या है तू ओके तो फ्रेंड्स निज़ामुद्दीन आ गया है और हम लोग स्टेशन पे उतर चुके हैं, और अब हम जाएंगे अपने घर, और हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से छोटे से व्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।